नाउ गाइस लेट अस डिस्कस द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. ठीक है, सेंट्रल बैंक मतलब अपना आरबीआई बैंक. फंक्शन सबसे बड़ा फंक्शन क्या हो गया, नोट इशू. ठीक है, मतलब नोट जो बनते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, पैसा जो बनता है, नोट बनते हैं, 10 का नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, ये बनाता है आरबीआई बनाता है. सिर्फ इसी बैंक के पास अथॉरिटी है बनाने की और किसी बैंक के पास अथॉरिटी नहीं है. ठीक है, और जो भी हमारी करेंसी इशू करती है कंट्री में तो यही बनाता है. ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी बैंक इन एवरी कंट्री, मतलब हर सेंट्रल बैंक, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक हो, यूएस का हो, आयरलैंड का हो या किसी भी का हो, ठीक है, तो उसका सबसे पहला जो हमारा मेन गोल होता है या मेन फंक्शन होता है वो होता है नोट इशू करना टू प्रिंट दी करेंसी. और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, कॉइन्स और जो हमारे 1 रुपए के नोट होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट प्रिंटेड बाय दिस आरबीआई बैंक, दिस इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, ये गवर्नमेंट के अंडर आता है. तो सबसे मतलब आपको बस याद रखना है कि कॉइन्स और 1 रुपए के नोट भी, कॉइन्स एंड 1 रुपीज नोट, 1 रुपी नोट एक्चुअली, नॉट रुपीज, ओके, सही कर देना, 1 रुपी नोट इज प्रिंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो आरबीआई ओनली प्रिंट्स द नोट्स एंड देयरफॉर ऑल हम सारे जो हमारे नोट होते हैं वो सेम क्वालिटी होंगे. अब ऐसा है ना कि सिर्फ इसी के पास क्यों है अथॉरिटी. अब इसके पास अथॉरिटी है तो इसके फायदे क्या होंगे कि जितने भी हमारे नोट बन रहे हैं सारे एक के एक क्वालिटी के बनेंगे, एक ही इंक का होगा, 10 का नोट सारा एक जैसे ही दिखेगा. ठीक है ना, वो हो जाएगी बात. अब सपोज जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर सभी बैंकों को मैं अथॉरिटी दे देते हैं, जैसे हम लोग दे देते हैं अथॉरिटी कि सब बैंक 20 रुपए का नोट बना सकते हैं, तो फिर कोई अपने बैंक का 20 रुपए का नोट कोई बनाया, कोई गांधी जी उस पर लगा देगा, कोई उस पर सांची स्तूपा की फोटो लगा देगा, या फिर कोई उस पर मतलब जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगा देगा, तो ऐसा नहीं चलता है काम. ठीक है, सो दैट्स वाई एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, दैट्स वाई नोट इश्यू करती है. तो ये हमारा आरबीआई के पास ही एक हमारा हक है सिर्फ. ठीक है, अब नाउ एडवांटेजेस ऑफ नोट इश्यू क्या होते हैं देख लेते हैं. अब हमारा आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक के पास ही अथॉरिटी है कि वो नोट इशू कर सके. इसके फायदे क्या क्या है वो देख लेते हैं. सबसे पहली बात तो यूनिफॉर्मिटी रहती है करेंसी में, जो मैंने आपको बताया कि 10 का नोट अगर सब लोग बनाएंगे, कोई उस पर गांधी जी की फोटो लगा देगा, कोई जवाहरलाल नेहरू की फोटो लगा देगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो फिर वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं रहेगी. तो दैट्स वाई एक ही बैंक बना रहा है, आरबीआई बना रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी रहेगी. 500 के सारे नोट एक जैसे दिखेंगे. ठीक है, वो बात हो गई. और पीपल को ट्रस्ट रहेगा कि हाँ यार आरबीआई सेंट्रल बैंक है. ठीक है, तो प्रोटेक्शन रहेगी, रिकॉग्निशन रहेगी गवर्नमेंट की, तो कोई मतलब इसमें दोगलापन नहीं हो सकता. ठीक है, पीपल हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द करेंसी इशूड बाय द सेंट्रल बैंक बिकॉज इट हैज प्रोटेक्शन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो इसीलिए लोगों को कोई शक नहीं रहेगा कि हमारा पैसा डूब ना जाए एंड सो ऑन. और तीसरा हमारा जो एडवांटेज होता है, कंट्रोल्स द क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ करेंसी. ठीक है, अब जो हमारा सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई बैंक होता है, ये हमारा कंट्रोल करता है कि हमारे पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में कितनी करेंसी के नोट मतलब हम हमारे चल रहे हैं इस वक्त, इन वर्क है. ठीक है, हो सकता है कि एक टाइम पे हमारे कंट्री में बहुत सारे नोट वर्क में हो, ठीक है, प्रोग्रेस में हो, बहुत सारे नोट चल रहे हैं. तो इसको कंट्रोल करने के लिए कभी कभी आरबीआई काफी सारे स्टेप्स लेता है, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे वाली वीडियोस में. तो हमारे मेन एडवांटेज ये हो गए. ठीक है, यूनिफॉर्मिटी रहती है, लोगों को प्रोटेक्शन रहता है, पैसा हमारा नहीं डूब जाएगा, और अमाउंट ऑफ करेंसी ये कंट्रोल करता है पूरा जो हमारा इंडिया में जितने भी हमारे नोट चल रहे होते हैं. ठीक है, नाउ सेकंड फंक्शन इसका ये होता है हमारे आरबीआई बैंक का, जैसे सेंट्रल बैंक का, कि एजेंट और एडवाइजर की तरह भी काम करता है गवर्नमेंट के लिए. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को भी ये हमारा एडवाइस देता है और उसके लिए भी एजेंट की तरह काम करता है. ठीक है, इट इज ऑल्सो हैंडलिंग द गवर्नमेंट. सो इसमें क्या होता है, प्रोवाइड्स फाइनेंशियल लोन्स टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को भी कभी कभी लोन की जरूरत पड़ जाती है तो लोन देता है एज बैंकर टू द, अब जैसे कि मेरे लिए या आपके लिए कमर्शियल बैंक है, ठीक है, एसबीआई बैंक है, हम उसमें जाके पॉलिसीज, हमको जो हमारे पॉलिसीज वो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, आरबीआई, हमारा पंजाब नेशनल बैंक एंड सो ऑन, हमको पॉलिसीज जो दे रहे हैं उसी तरीके की पॉलिसीज सेंट्रल बैंक हमारा गवर्नमेंट को देता है. ठीक है, बस इतनी सी बात है. एज बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई प्रोवाइड्स ऑल दोज सर्विसेज टू द गवर्नमेंट दैट आर प्रोवाइडेड टू द पब्लिक बाय द कमर्शियल बैंक. ठीक है, मैंने आपको वही बताया अभी. एंड हमारा आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक मैनेज करता है गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग्स, फंड्स हो गए, लोन्स हो गए. ठीक है, और भी उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये तो मैंने आपको 2-3 एग्जांपल लिख के दिखा दिए हैं. एंड द सेंट्रल बैंक एडवाइसेज द गवर्नमेंट ऑन मॉनेटरी दैट इज मनी रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं, टास्क होते हैं. ठीक है, बैंकिंग से रिलेटेड एंड फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं. तो हमारा मतलब गवर्नमेंट को भी बेसिकली ये एडवाइस करता है, उसके लिए एजेंट का काम करता है, उसकी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हमारी गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत आती है वो भी हैंडल करता है. ठीक है, हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है गाइस, कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक. ठीक है, CUSTODIAN है, अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही है तो. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमारे जो बैंक्स होते हैं कमर्शियल बैंक दैट इज SBI, PNB एंड सो ऑन, तो वो क्या होता है, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो फिर वो लोन वगैरह ले सकते हैं हमारे आरबीआई से. ठीक है, ये हमारा इसमें बेसिकली होता है. हमारे हर एक कमर्शियल बैंक का एक खाता खुला हुआ होता है हमारे सेंट्रल बैंक में, जैसे कि हमारा अकाउंट होता है ना नॉर्मल पीएनबी एंड सो ऑन में, तो इसीलिए इस तरीके से हर एक बैंक का खाता होता है हमारा आरबीआई में. ठीक है, एक अकाउंट खुला हुआ होता है.
So now let us see. Central bank has same relationship with the commercial banks in the country that they have with their customers. ठीक है, वही जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि कस्टमर्स के लिए जैसे हमारे लिए कमर्शियल बैंक है, वैसे ही कमर्शियल बैंक के लिए भी जो एक बैंक है, हेड है, वो सेंट्रल बैंक हो गया. वो उसको सारी मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा. ठीक है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देयर कैश रिजर्व्स एंड गिव देम लोन व्हेन नीडेड. जब भी उनको लोन की जरूरत पड़ेगी, सपोज एक बैंक है उसमें पैसे की सब कमी आ गया अचानक से, तो वो हमारा आरबीआई जो है उसको लोन दे देगा. ठीक है, कि लो अपना तुम काम चलाओ फॉर द टाइमिंग, ताकि हमारा बैंक जो है शट डाउन ना हो जाए. एंड गिव देम एडवाइस ऑन फाइनेंशियल इकोनॉमिक मैटर. ठीक है, अब कभी उनको जरूरत पड़ती है तो हमारा आरबीआई उनको एडवाइस भी दे देता है कि कैसे क्या करना है. नाउ फोर्थ इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, अब हमारा जो आरबीआई है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो हमारी फॉरेन करेंसी होती है डॉलर्स एंड ऑल पाउंड्स, उनको भी हैंडल करता है. ठीक है, उसके बारे में सारा हमारा डिटेल्स हैंडल करता है. लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. नाउ इसमें बेसिकली सीन क्या है कि अगर किसी बैंक को अचानक से मतलब उसमें बहुत ज्यादा पैसे की कमी हो जाती है, अकाल सा आ जाता है जैसे कहते हैं ना, तो फिर हमारा आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्प करता है, असिस्टेंस देता है फाइनेंशियली उनको. ठीक है, तो वो लिखा है आरबीआई वर्क्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फॉर कमर्शियल बैंक्स बिकॉज इन द टाइम ऑफ नीड, जब जरूरत पड़े, प्रोवाइड्स देम फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड अकोमोडेशन. ठीक है, उनकी हेल्प करता है बेसिकली. आरबीआई गिव्स देम लोन एंड बैंक इज सेव्ड फ्रॉम बीइंग फेल्ड. ठीक है, ठप होने से मामला बच जाता है. और फिर अगला हमारा फंक्शन होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन. इसमें क्या होता है, मैंने जैसे आज आपको बताया कि हर एक कमर्शियल बैंक का खाता होता है आरबीआई में, जैसे सेंट्रल बैंक में, तो अगर कोई नुकसान हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर आरबीआई उसको हैंडल कर लेगा. तो वही है इसमें, ऑल कमर्शियल बैंक हैव देयर अकाउंट विद द आरबीआई, देयरफॉर इफ एनी प्रॉब्लम या फिर कोई नुकसान हो जाता है अराइजेस, सो आरबीआई विल हैंडल द डिस्प्यूट, उसको सेटल कर लेगा. ठीक है, नाउ गाइस हमारा सातवां फंक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है. ठीक है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, क्रेडिट को कंट्रोल करता है हमारा. और इसके दो पार्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. हम पहले क्वांटिटेटिव देखेंगे, इसमें थ्री पार्ट्स हैं. सबसे पहला हमारा हो गया बैंक रेट. ठीक है, इसमें क्या है, सपोज कोई बंदा ए है और एक पीएनबी हमारा कमर्शियल बैंक हो गया. ठीक है, पीएनबी इज व्हाट आर कमर्शियल बैंक और आरबीआई तो अपना हो ही गया. ठीक है, सेंट्रल बैंक हो गया हमारा, हेड ऑफ ऑल दी बैंक्स, ये हमारा हो गया सेंट्रल बैंक. इसमें क्या है, सपोज पीएनबी के पास पैसे अचानक से कम पड़ गए तो क्या होगा, वो आरबीआई से लोन मांगेगा. ठीक है, लोन मांगेगा तो आरबीआई ने उसको लोन दिया. और सपोज पीएनबी आरबीआई को 10% उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है फॉर द टाइम बिंग. और फिर एक बंदा है, पीएनबी ने उसको लोन दिया. ठीक है, अब पहले पीएनबी ने उससे लोन लिया और उसको 10% चुका रहा है. अब पीएनबी ने ए को लोन दिया, अब ए क्या है उसको 13% लौटा रहा है. ठीक है, पीएनबी ने 13% रख दिया. क्यों, अब 10 तो उसे चुकाना ही चुकाना है, उसको अपना भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए ना, उसको जो निकालने हैं पैसे देने के लिए वो भी वो हमसे चार्ज करेगा और अपना जो प्रॉफिट बनाएगा उसको भी हमसे चार्ज करेगा. तो सपोज हमने उसको 13% ले लिया. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इफ आरबीआई थिंक दैट देयर इज मोर मनी इन द मार्केट, अगर बहुत ज्यादा मनी हो रहा है तो क्या करेगा, वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक्स को दे रहा है वो बढ़ा देगा. ऐसा क्यों होगा, अगर वो अपना रेट बढ़ा देगा, सपोज इसने यहाँ पे 12% कर दिया, तो पीएनबी को इसको 12% चुकाना पड़ेगा. पीएनबी को 12% देना है तो वो अपनी जेब से तो दे नहीं रहा, वो हमसे ही वसूल रहा है, तो और अपना प्रॉफिट भी वो करेगा ही करेगा, तो क्या करेगा, वो 13 के बदले शायद 15 कर देगा. ठीक है, मतलब उसको बढ़ा देगा. अगर यहाँ 12 है तो 13, 14 या 15 मतलब उससे ज्यादा होगा ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए, तो वो भी हमारी जेब से जाएगा. तो फिर इस केस में क्या होगा, 10 से 12% बढ़ा दिया तो पीएनबी विल ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 13 to 15%. देयरफॉर लोन लेने वाले कम लोग होंगे, मनी विल डिक्रीज इन द मार्केट. ठीक है, क्योंकि अब जब लोन ले रहे हैं लोग तो फिर पैसा मार्केट में बढ़ रहा है ना, लोन ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने घर बनाना है, लोन खरीदा, लोगों को पैसा दे रहे हैं, तो वही है ना, मतलब खर्चा हो रहा है, तो पूरे कंट्री में पैसा बढ़ रहा है. तो एक तरीके से हमारा बैंक रेट का ये हो गया कि हम इसको ऐसे करके कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट हमारा ये हो गया एक पार्ट. ये हम सिर्फ क्वांटिटेटिव डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है गाइस, अब सेकंड हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन. अब इसमें क्या होता है, सेंट्रल बैंक हमारा खरीद सकता है या फिर बेच सकता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को. ठीक है, इन ओपन मार्केट और इन ऑर्डर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ मनी इन द बैंकिंग सिस्टम. ठीक है, वो ये कि हमारे अगर कंट्री इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा चल रहा है कंट्री में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर अगर बहुत कम पैसा इस वक्त कंट्री में है उसको ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए, हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, वो हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को या तो बाय कर सकता है या सेल कर सकता है. अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर करता है वो, ठीक है, मीन्स मनी कमिंग इन टू द सेंट्रल बैंक. ठीक है, अब इसने अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सपोज आरबीआई को दी, आरबीआई ने खरीदी, तो फिर जो पैसा आरबीआई इसको देगा तो वो उनके पास आ जाएगा. तो इससे क्या होगा, मार्केट में जो मनी का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, इससे हमारा ये फायदा हो रहा है. और फिर एक टेक्निक होती है इसमें क्वांटिटेटिव में, LRR, दैट इज लीगल रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट, या तो इसको हम बोलते हैं
लीगल रिजर्व रेशियो, या फिर इसको बोल सकते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है गाइज, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे अगर सपोज एक बंदा है, उसने 1,000 रुपए डिपॉजिट किया, मैंने 1,000 रुपए डिपॉजिट किया, तो ऐसा नहीं है कि बैंक लोन सारे पैसों को दे देगा। ठीक है, कुछ अमाउंट बचा के रखता है वो। अब सपोज, और ये जो परसेंटेज होती है डिसाइड करता है आरबीआई। ठीक है, अब 1,000 रुपए मैंने डिपॉजिट करे, उसमें से सपोज उसने 800 रुपए जो है वो लोन देने में किसी को इस्तेमाल कर दिया, और जो बाकी के 200 रुपए बचाए हुए उसने उसको बचाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आरबीआई की अगर हम बात करें, उसने 800 रुपए लोन दे दिया, 200 रुपए बचा रखे हैं, जो 200 रुपए उसने बचाए हुए हैं उसको हम बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, LRR हमारा ये हो गया। और फिर इन 200 रुपए से भी, इसके भी अगर हम दो टुकड़े करते हैं, या मतलब इसमें पार्टीशन होता है, परसेंटेज होती है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल देखा है, कुछ भी हो सकता है रेशियो। ठीक है, 100 रुपीज सपोज उसने आरबीआई में जमा करा दिया है, ये जो उसने 200 रुपए बचाए थे, क्यों बचाए थे, सपोज मैं एटीएम से अब कल पैसा मांगना चाहूँ तो लोगों को पैसे की जरूरत पड़ेगी ना, डेट्स वाई, तो 100 रुपए इसने एटीएम में दे दिए, मतलब एटीएम में नहीं, आरबीआई में दे दिए। ठीक है, तो ये 100 रुपए जो आरबीआई में इसने जमा किए, इसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। और जो हमारा अपने पास जो इसने बैंक ने रखा हुआ है, एसबीआई ने 100 रुपए जो रखे हुए हैं, जिस वट वी कॉल एस डी एस एल आर, दैट इज स्टेटरी लिक्विड रेशियो, STATUTORY। ओके, स्पेलिंग थोड़ी ऐसी है, देख लेना, तो अपने पास रहेगा ताकि लोगों को अगर जरूरत पड़े तो पैसा वो दे सके। अब ठीक है, यहाँ पे 100 रुपए मत सोचना कि 100 रुपए में क्या किसको दे देगा, बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, करोड़ों में होती है, सो दैट्स व्हाई जिसको जब जरूरत पड़े वो उसको दे देगा। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर और एलआरआर, ये जनरली पूछ सकते हैं। नाउ ये हमारा हो गया, दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव फंक्शन। नाउ लेट अस डिस्कस अपना क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव हमारा क्रेडिट का क्या सीन होता है, इसमें भी हमारे तीन चार सेक्शन बनते हैं गाइज। नाउ लेट अस सी, तीन सेक्शन है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट सबसे पहली बात होगी, अगर सपोज किसी जगह पे बिल्डिंग लानी है किसी बिल्डर को, या किसी भी इंस्टीट्यूशन में बिल्डिंग बननी है, उसमें 1 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बैंक विल प्रोवाइड दी मनी, पूरा पैसा नहीं देगा। ठीक है, 75,000 रुपए सपोज उसने दे दिए बैंक ने, अब बाकी के 25,000 रुपए क्या हो गया, एक मार्जिन हो गई, मतलब मार्जिनल रिक्वायरमेंट में इतने पैसे नहीं देगा तो उतने रुपए की मार्जिन होगी, मतलब 25,000 रुपए नहीं दे रहा है तो 25,000 रुपए की मार्जिन होगी फॉर द टाइम बिंग। और इस केस में क्या होता है, वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मनी, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि पैसा घट बढ़ रहा है, इसमें ये होगा कि 1 लाख की बिल्डिंग है, फिलहाल बैंक कितने दे रहे हैं, 75,000 रुपए। अगर बैंक को कंट्रोल करना है इकोनॉमी में जितना भी पैसा ज्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, ठीक है, ज्यादा फ्लो रहा है, तो इफ मार्जिन इंक्रीजेस, मतलब मार्जिन इंक्रीज मतलब 25,000 रुपए हमें कम मिल रहे थे, अगर हमारे को होकर के सपोज वो बोल दे कि हमें 60,000 ही मिलेंगे, ओके, मतलब हमको बैंक 60,000 रुपए देगा, मतलब मार्जिन कितनी होगी, 40,000 रुपए हो गया यार, तो मार्जिन ज्यादा होगी तो फिर लोगों को कम पैसा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा तो लोग कम लोन लेंगे, क्योंकि अगर सपोज मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए यार और सिर्फ 60,000 रुपए ही मिल पा रहे हैं उससे, तो मैं सोचूंगा कि क्या ही लेना, वो हिसाब है ना, तो लोन कम से कम लोग लेंगे, ज्यादा लोग नहीं लेंगे। अगर और भी ज्यादा हो जाता है, सपोज कि वो बोलता है कि हम 60,000 रुपए अपने पास रखेंगे, सिर्फ आपको 40,000 रुपए देंगे, तो ऑब्वियसली 40,000 रुपए मिल रहे हैं 40%, तो लोन बहुत कम लोग लेंगे जिनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, जल्दी से नहीं कोई लेगा, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स में आपका ये सीन हो गया। मॉरल सिचुएशन क्या होता है, SUSION, ठीक है, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। आरबीआई इसमें क्या होता है, एडवाइस करता है बेसिकली कि आप इस सेक्टर में इतना पैसा लगाओ, इस सेक्टर में ज्यादा पैसे मत लगाओ, मतलब बेसिकली एडवाइस का ही काम चलता है, एडवाइस दैट डोंट गिव लोन इन दिस सेक्टर नाउ, वर्क अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिसीज। फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है, इसमें आरबीआई एक पॉलिसी निकाल देता है, आरबीआई ब्रिंग्स पॉलिसी दैट नाउ ओनली 5 करोड़ ही आप इस सेक्टर में लगाओ, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया कि जैसे कि हमारा एजुकेशन का सेक्टर है, इसमें आप 50 करोड़ लगाओ, इससे ऊपर अभी मत लगाओ फॉर द टाइम बिंग, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही होंगी जो भी, तो मतलब वो एक पॉलिसी निकाल देता है कि आपको इतना ही करना है, इससे अगर आप ज्यादा दोगे तो वो इलीगल होगा। तो इफ इकोनॉमी में डिक्रीज हो रहा है, अगर इकोनॉमी में डिक्रीज जा रही है, देन इट विल आस्क द कमर्शियल बैंक्स टू गिव लोन टू द पीपल। ठीक है, अगर इकोनॉमी कम हो रही है, मतलब पैसा कम है इस वक्त इकोनॉमी में, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है एंड सो ऑन, तो फिर वो क्या बोलेगा कि लोग अगर लोन लेना चाहते तो उनको लोन दे दो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर मनी सर्कुलेशन इंक्रीज होगा उससे, क्योंकि लोन लोगों को मिल रहा है तो मनी सर्कुलेशन पूरा हमारा कंटिन्यू बढ़ रहा है एंड इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, इट विल इंक्रीज। ओके, ये हमारा हो गया क्वांटिटेटिव, हमने डिस्कस किया। फिर क्वालिटेटिव में मार्जिनल रिक्वायरमेंट, मॉरल सिचुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब 7वां हमने पूरा कर लिया, अब एक और हमारा लास्ट में देख लेते हैं छोटा सा, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, हम जो हमारा आरबीआई है, ये हमारा 8 पॉइंट है गाइस। ठीक है, 7वां हमने डिस्कस किया था क्या, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ठीक है, 8वां अपना यह कलेक्शन ऑफ डेटा। अब कलेक्शन ऑफ डेटा, हर सेंट्रल बैंक इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्री सेंट्रल बैंक कलेक्ट्स डेटा, स्टेटिस्टिकल डेटा, अपना पूरा डेटा निकालता है, सब कुछ अपने पास एक रिकॉर्ड रखता है कि हाँ कब कितना खर्चा हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, सब कुछ सो इट कलेक्ट्स डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा रेगुलरली टू इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मनी, क्रेडिट, फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग एक्सेट्रा। ठीक है, हर चीज का रखता है, फ्रॉम
टाइम टू टाइम पूरे अच्छे से रिकॉर्ड बना के रखता है, कमिटीज एंड कमीशन आर अपॉइंटेड फॉर स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द एफोरसेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब बेसिकली कंक्लूजन क्या हुआ, नाउ लेट अस सी। कंक्लूजन ये हुआ कि द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, सबसे ज्यादा वो यही इफेक्ट करता है, तो ये कंट्रोल रखता है। ठीक है, द साउंडनेस ऑफ द मॉनेटरी मनी रिलेटेड पॉलिसीज एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स इन लार्ज मेजर ऑन द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ दिस फंक्शन बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, मतलब अगर सेंट्रल बैंक अच्छे से काम करेगा तो इसी के ऊपर सब कुछ हमारा वर्क डिपेंडेंट होता है। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भाई के चैनल को। टिल द टाइम टेक केयर, गुड बाय, फटाफट से बाकी वीडियोस भी लेके आते हैं।